review exercise, self review exercise part 3, part 1 और part 2 पहले हो चुके हैं, part 3 है. Starting. Fill in the blanks in each of the following statements. नीचे कुछ statements हैं, उनमें खाली स्थान भरने हैं. ये कुछ questions हैं जिनमें खाली स्थान दिए गए हैं और ये उनके answers हैं. अब हम इनको वन बाई वन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन, काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन बिकॉज इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. जो काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन है उसको किस तरह के रिपीटेशन स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है जिसमें हमें पहले से पता होता है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उत्तर. उसको हम डेफिनेट रिपीटेशन बोलते हैं. उसको हम डेफिनेट रिपीटेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें हमें पता है पहले से कि ये कितनी बार रिपीट होगा. जैसे ये एग्जांपल है जिसमें व्हाइल में हमने कंडीशन डाली है वो काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10 और बाद में अंदर काउंटर प्लस की वैल्यू वन बाई वन ए वन से इंक्रीज कर दिया है, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया. तो ये लूप 10 बार चलेगा, 10 राउंड्स लगाएगा, 10 राउंड्स तक चलेगा. नेक्स्ट, सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन बिकॉज इट्स नोन इन एडवांस इट इज नॉट नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. जो सेंटिनल कंट्रोल रिपीटेशन है जिसमें हमें पहले से नहीं पता होता कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसको किस तरह का रिपीटेशन स्टेटमेंट बोला जाता है उत्तर है उसको इंडेफिनेट रिपीटेशन स्टेटमेंट बोला जाता है. ये एग्जाम्पल लिया है जिसमें ग्रेड को हमने स्कैन किया, ग्रेड पे कंडीशन लगा दी ग्रेड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन और नीचे ग्रेड को फिर से रीड कर रहे हैं. जब तक कि इसको ग्रेड की वैल्यू माइनस वन नहीं मिलेगी तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा. ये इसलिए इसको हम इंडेफिनेट रिपीटेशन स्टेटमेंट बोलते हैं. इन काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन ए और एन वेरिएबल इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी रिपीटेड. ऐसा कौन सा मतलब ऐसा क्या होता है जिसमें काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन में उसको हम काम में लेते हैं और वो काउंट करने का काम करता है कितनी बार हम इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर चुके हैं इसको वो काउंट करता है उसको हम क्या कहते हैं. तो उत्तर देखते हैं, उसको हम कंट्रोल वेरिएबल या काउंटर कहते हैं. मतलब वो जैसे एक एग्जांपल लें इसमें काउंटर इक्वल टू वन किया, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 तो ये काउंट करता रहेगा जब हम प्रिंट कर रहे हैं कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, ये काउंट करेगा. ये वेरिएबल है काउंटर, तो इसको हम काउंटर वेरिएबल या काउंटर सिंपली काउंटर कहते हैं. इस वेरिएबल का नाम हम कुछ और भी दे सकते हैं लेकिन इसको नॉर्मली बोलने में काउंटर ही बोलते हैं. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट वेन एग्जीक्यूटेड इन ए रिपीटेशन स्टेटमेंट कॉजेज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जो हम किसी रिपीटेशन स्टेटमेंट के अंदर लिख देते हैं तो वो वहाँ से उस स्टेप को स्किप कर देता है, छोड़ देता है और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं. आंसर देखते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं. उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक्स इक्वल टू वन एक्स लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट कर रहे हैं हम, एक्स की 1 से 10 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं लेकिन बीच में स्टेटमेंट लिख दिया है इफ एक्स इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू, एक्स की वैल्यू 5 होने पर कंटिन्यू स्टेटमेंट इसको मिलता है. तो इसका आउटपुट जो है वो 5 को स्किप कर देगा, मतलब जब एक्स की वैल्यू 5 है तो उस डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, 5 को प्रिंट नहीं करेगा. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन अ रिपीटेशन स्टेटमेंट और ए स्विच कॉजेज एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द स्टेटमेंट. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो यदि किसी रिपीटेशन स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो वो उस स्विच या रिपीटेशन स्टेटमेंट से हमें बाहर निकाल देता है. उत्तर देखते हैं, वो ब्रेक स्टेटमेंट है. मतलब ब्रेक है वो यदि मिल जाता है तो प्रोग्राम आगे रन, प्रोग्राम का वो लूप या स्विच स्टेटमेंट है वो आगे एग्जीक्यूशन नहीं करता है, वो उससे बाहर निकल जाता है. जैसे ये फॉर लूप का एग्जांपल लिया है जिसमें लिखा है कि एक्स की वैल्यू 5 होने पर
ये ब्रेक हो जाए। तो एक्स लूप में हमने एक्स इक्वल टू वन से इनिशियलाइज किया, एक्स लेस देन टेन इक्वल टू टेन तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक्स इक्वल टू फाइव पर ब्रेक होने के कारण ये एक्स की वैल्यूज़ फाइव के बाद में प्रिंट नहीं करेगा, मतलब फाइव को प्रिंट नहीं करेगा, वन टू फोर ही प्रिंट करेगा। द एम्प्टी स्पेस इज यूज टू टेस्ट ए पर्टिकुलर वेरिएबल और एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटीग्रल वैल्यूज इट मे अज्यूम। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग में जो किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन, कोई व्यंजक लिया है या कोई चर राशि ली है, उसको किसी कॉन्स्टेंट निश्चित या नियत पूर्णांक संख्या के साथ कंपेयर किया जाता है, और यदि उसकी वैल्यू उस नियत संख्या के बराबर है, उस नियतांक के बराबर है, तो कुछ एग्जीक्यूशन करता है, अदरवाइज नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करता है। इस तरह का स्टेटमेंट है, उसको क्या कहते हैं? आंसर देखते हैं। तो वो होता है स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट। जैसे एक एग्जांपल लिया है, सी एच को हम कंपेयर कर रहे हैं, प्लस माइनस स्टार स्लेश परसेंटेज ईटीसी, ये करेक्टर होते हैं, इनको भी इंटीजर कंपेरिजन करके हम इंटीजर ही मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो इंटीजर या एक्सप्रेशन की किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को एक इंटीजर फिक्स्ड इंटीजर से कंपैरिजन करता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इफ आंसर इज फॉल्स एक्सप्लेन व्हाई। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको वो गलत हैं, असत्य हैं या सत्य हैं, ये पहचानना है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। द डिफॉल्ट केस इज रिक्वायर्ड इन द स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें जैसे हम केस मैच करते हैं, उनमें एक डिफॉल्ट लिखना जरूरी है। तो इसका आंसर है, इसका ये सत्य है या असत्य है, तो ये असत्य है या फॉल्स है, क्योंकि डिफॉल्ट ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है, हम चाहें तो लिखें, हम चाहें तो ना लिखें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द डिफॉल्ट केस ऑफ स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट। जो स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं, उसका जो डिफॉल्ट लेते हैं, डिफॉल्ट जो एक केस लेते हैं, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या ये कथन सत्य है? आंसर है फॉल्स, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रेक जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसमें मोस्टली हम लास्ट में लिखते हैं, समझते हैं हम उसके लास्ट में लिखते हैं, उसके बाद वैसे ही एग्जिट होता है, वैसे ही प्रोग्राम के बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ब्रेक ना लिखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। और इन जनरल ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस में रिक्वायर्ड नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है, ज़बरदस्ती लिखना ज़रूरी नहीं होता है, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको लिखते हैं। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन एक्स ग्रेटर देन वाई एंड ए लेस देन बी इज ट्रू इफ आइदर एक्स ग्रेटर देन वाई इज ट्रू और ए लेस देन बी इज ट्रू। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स ग्रेटर देन वाई और ए लेस देन बी, यहाँ बीच में लॉजिकल एंड लगा है, तो ये सत्य होगा या तो एक्स ग्रेटर देन वाई है या ए लेस देन बी है। क्या ये कथन सत्य है? तो इसका भी उत्तर है नहीं, ये कथन असत्य है, क्योंकि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए हमें उस पूरे एक्सप्रेशन को सत्य करने के लिए ज़रूरी है, ट्रू करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही ट्रू हों। आइदर ट्रू मतलब दोनों में से एक ट्रू होने से काम नहीं चलेगा, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द
डबल पाइपलाइन ऑपरेटर इज ट्रू इफ आइदर और बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स इज ट्रू। यदि हम डबल पाइपलाइन किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो उसके दोनों तरफ के जो ऑपरेंड्स होते हैं, दोनों तरफ जो व्यंजक लिखे हैं, वो दोनों में से एक सत्य हो या दोनों सत्य हो, तो एक्सप्रेशन पूरी सत्य होती है। क्या ये कथन सत्य है? तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर है और इसके लिए ये सत्य है कि लॉजिकल और में जो दोनों एक्सप्रेशन काम में ली गई हैं उनमें से एक भी सत्य होने पर वो सत्य होता है, ट्रू होने पर, एक भी ट्रू होने पर वो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होता है। राइट ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। आगे कुछ टास्क लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनसे कम उनके अन उत्तर के रूप में हमें एक एक्सप्रेस स्टेटमेंट लिखना है, सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट लिखना है। पहला क्वेश्चन, सम द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 99 यूजिंग ए फॉर स्टेटमेंट। एज्यूम द इंटीजर वेरिएबल्स सम एंड काउंट हैव बीन डिफाइंड। ये मान लेते हैं कि सम और काउंट नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं या डिफाइन किए जा चुके हैं। उसके बाद हमें फॉर स्टेटमेंट लिखना है जो एक से लेकर 99 तक के ऑड इंटीजर्स मतलब विषम संख्याओं को जोड़ सकता हो। तो इसके लिए हम पहले सम को इनिशियलाइज करेंगे, सम इक्वल टू 0। फिर एक फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे मतलब फॉर लूप लगाएंगे जिसमें काउंट को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से जो उसकी इनिशियल वैल्यू है। बाद में काउंट को पे कंडीशन लगाएंगे कि वो लेस देन और इक्वल टू 99 हो क्योंकि हमें 99 तक ऐड करना है और ओनली ऑड इंटीजर्स विषम संख्याओं को ऐड करना है। इसलिए काउंट में जो इंक्रीमेंट है वो 2 का देंगे, बॉडी में सम प्लस इक्वल टू काउंट या सम इक्वल टू सम प्लस काउंट लिख देंगे। प्रिंट द वैल्यू 333.546372 इन ए फील्ड विड्थ ऑफ 15 करेक्टर्स विद प्रिसीजन ऑफ 1, 2, 3, 4 and 5। लेफ्ट जस्टिफाई द आउटपुट। व्हाट आर द 5 वैल्यूज दैट प्रिंट। एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है या हमें आवश्यकता अनुसार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने हैं जो इस नंबर 333.546372 को प्रिंट करे और उसको 15 करेक्टर्स में प्रिंट करे मतलब 15 स्पेस इसको प्रिंट करने के लिए काम में ले और उनमें प्रिसीजन मतलब दशमलव के बाद में एक डिजिट प्रिंट करे। दोबारा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें 2 डिजिट प्रिंट करे, तीसरी बार लिखना उसमें 3, चौथी बार लिखना उसमें 4 और पांचवी बार में 5 डिजिट प्रिंट करे और आउटपुट है उसको लेफ्ट जस्टिफाई करना है मतलब आउटपुट है वो लेफ्ट साइड में अलाइंड होना चाहिए और इस तरह से प्रिंट करने के पर इनके आउटपुट क्या होंगे। तो लेफ्ट इसको जब लेफ्ट जस्टिफाई करना होता है हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें को लेफ्ट जस्टिफाई करना है मतलब लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो हम कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज के बाद में हाइफन लिख देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं और बाद में हमारे क्वेश्चन में है कि 15 करेक्टर्स में प्रिंट होना चाहिए तो हम 15 जितने करेक्टर्स में प्रिंट होना उतने नंबर लिख देते हैं। बाद में प्रिसीजन यदि 1 लिखना है तो दशमलव के बाद में 1 लिख देते हैं मतलब हम लिखेंगे परसेंटेज माइनस 15.1 और चूंकि ये फ्लोट नंबर है इसलिए एफ तो परसेंटेज माइनस 15.1 एफ ये कन्वर्जन स्पेसिफायर लिखेंगे। आगे जो भी नंबर हमें प्रिंट करना है वो नंबर लिख देंगे तो ये 1 डिजिट प्रिंट होगी। यहाँ पॉइंट और कोई चेंज नहीं आएगा, दशमलव के बाद में 2, 3, 4, 5 जितने हमें जितना हमें प्रिसीजन लेना है जितने दशमलव के बाद में पॉइंट लगाने हैं वो नंबर लिख देंगे। इनका आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले का आउटपुट होगा 333.5 333.5 दूसरे में 5, 4 है लेकिन 4 के आगे 6 लिखा हुआ है इसलिए 4 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा
और ये 33.55 प्रिंट करेगा, उसके आगे वाले में 5 पॉइंट के आगे 546 प्रिंट करेगा, उसके आगे पॉइंट के बाद में 54637 है और चार डिजिट प्रिंट करनी है, इसलिए 3 की जगह 4 प्रिंट करेगा क्योंकि उसके आगे वाली संख्या 5 से ज़्यादा है, और लास्ट में 2 को इग्नोर करके प्रिंट कर देगा 333.54637। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2.5 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3 यूजिंग द पॉ फंक्शन। प्रिंट द रिजल्ट विद ए प्रिसीजन ऑफ 2 इन ए फील्ड विड्थ ऑफ 10 पोजिशंस। वॉट इज द वैल्यू दैट प्रिंट्स। हमें एक सी प्रोग्राम एक स्टेटमेंट लिखना है जो POW फंक्शन को पावर फंक्शन के लिए, जो मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन होता है POW, उसको काम में ले और 2.5 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्रिंट करे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करे। प्रिंट करने का मेथड है कि वो 10 स्पेसेस में प्रिंट करेगा, 10 जगह पोजीशंस लेगा उसमें प्रिंट करेगा और दशमलव के बाद में 2.2 डिजिट प्रिंट करेगा। इसमें आउटपुट में वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो ये 10 हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे जिसमें कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज 10.2f दे देंगे और पावर फंक्शन है 2.5 की पावर घात 3 निकालना है, 2.5 की घात 3 निकालना है, तो POW फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 2.5 और सेकंड आर्ग्यूमेंट 3 लिख देंगे। इसका आउटपुट हम नहीं लिखा है तो आउटपुट के लिए इसको प्रोग्राम लिखकर देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, ये लिखे जा चुके हैं, वैसे तो 2.5 टू द पावर 3 625 कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट एफ परसेंटेज 10.2f न्यू लाइन POW 2.5 3 और मैथ लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो इंक्लूड मैथ डॉट एच ये प्रोग्राम लिखा है, इसको कंपाइल करते हैं। GCC-O टेस्ट 7 एग्जाम्पल टेस्ट 7.c। तो इसका आउटपुट होगा 15.62 और इधर स्पेस आएंगे क्योंकि ये 5 डिजिट में प्रिंट हुआ नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 स्पेस इधर फ्री रह जाएंगे क्योंकि टोटल हम 10 डिजिट में प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग ए व्हाइल लूप एंड द काउंटर वेरिएबल एक्स। Assume that the variable x has been defined but not initialized. Print only 5 integers per line. मतलब हमें while loop use कर while statement लिखना है, उसमें एक counter variable जो है वो x लेना है और x को initialize नहीं करना है, इनिशलाइज किया हुआ नहीं है, एक्स को डिक्लेयर किया जा चुका है, तो हमें उस एक्स से एक प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट लिखने हैं जिससे वो 1 to 20 एक से लेकर 20 तक के इंटीजर्स प्रिंट कर दे और हर पांचवे इंटीजर के बाद में न्यू लाइन में प्रिंट करे, मतलब 1, 1, 2, 3, 4, 5 बाद में नई लाइन में 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से प्रिंट करें।
तो इसका आंसर है, हम एक वाइल स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें एक्स लेस देन और इक्वल टू 20 लिखेंगे, इसको डिफाइंड नहीं किया गया है, पहले डिफाइंड किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया है, इसलिए इसका मतलब इसमें हम पहले इनिशियलाइज भी करेंगे। एक्स इक्वल टू 20 लिखें, एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 20, फिर प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप में हमने प्रिंट कर दिया एक्स को, और बाद में हम इसमें स्पेस या जो भी देना है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा देंगे इफ स्टेटमेंट में, एक्स परसेंटेज 5 मतलब एक्स का 5 के साथ रिमाइंडर यदि 0 है तो न्यू लाइन प्रिंट करे, ऐसा नहीं है तो टेब या स्पेस प्रिंट करें, और बाद में एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर दें। इसके अलावा हम इसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे इनिशियलाइज कर ही दिया, उसके बाद में जो स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, उसमें एक्स परसेंटेज 5 इक्वल टू 0 की कंडीशन पे पहले एक्स को सिंपली प्रिंट करके बाद में इफ स्टेटमेंट लिख रहे थे, इस बार इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक्स की वैल्यू प्रिंट करें और एक्स प्लस प्लस लिख दिया तो उसी समय ये इंक्रीज भी होता जाएगा। इसका एक तरीका और भी है कि एक्स को 0 से इनिशियलाइज किया और वाइल स्टेटमेंट में एक्स लिखने की बजाय प्लस प्लस एक्स लिख दिया, जो सबसे पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा और उसके बाद में उसको कंपेयर करेगा और बाद में एक्स को इफ एल्स के अंदर प्रिंट कर दिया। ये काम जिसमें हम 1 से लेकर 20 तक के इंटीजर्स प्रिंट हो, ये फॉर स्टेटमेंट को काम में लेते हुए करना है, जिसमें हर 5वें नंबर के बाद में न्यू लाइन आ जाए। इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे फॉर स्टेटमेंट, जिसमें पहला इनिशियलाइजेशन एक्स इक्वल टू 1 किया, सेकंड कंडीशन लगा दी, थर्ड इंक्रीमेंट, बाद में प्रिंट कर दिया इफ एल्स स्टेटमेंट में, यदि एक्स डिवाइज 5 से डिवाइजेबल है, एक्स में 5 का भाग जाता है तो न्यू लाइन प्रिंट कर दी, अदरवाइज टेब या स्पेस प्रिंट कर दिया। इसको भी हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स को अलग से प्रिंट करने के बजाय इफ एल्स में ही प्रिंट कर दिया। फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट इट। कुछ सी स्टेटमेंट दिखाए जाएंगे और उनमें एरर फाइंड करनी है, उनमें गलती ढूंढनी है। ये स्टेटमेंट है एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन वाइल पैरेंथेसिस में एक्स लेस देन और इक्वल टू 10 सेमीकोलन प्लस प्लस एक्स सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ। क्या ये गलत है? हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं? तो पहली गलती है वाइल के बाद में यहाँ सेमीकोलन आ गया है, सेमीकोलन आने से ये लूप इन्फिनिटी लूप बन गया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कभी इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये इन्फिनिटी टाइम तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक कैसे करें? तो इस सेमीकोलन को उठा के यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाए, क्योंकि आगे कर्ली ब्रैकेट ऑफ हुआ, या इस सेमीकोलन को उठा दिया जाए और आगे वाले कर्ली ब्रैकेट को भी उठा दिया जाए। तो ये दोनों मेथड लिख दिए हैं। ये एक स्टेटमेंट है फॉर वाई इज इक्वल्स टू 0.1 वाई नॉट इक्वल टू 1.0 वाई प्लस इक्वल टू 0.1 प्रिंट परसेंटेज एफ न्यू लाइन प्रिंट वाई। इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? इसमें गलती यह है कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो मोस्टली हम यदि एग्जैक्ट कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इंटीजर्स की कंपैरिजन करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की कंपैरिजन नहीं करेंगे। मतलब अपना कंट्रोल वेरिएबल जो है, काउंटर वेरिएबल जो है, वो इंटीजर के रूप में लेना चाहेंगे। तो फिर इसको ठीक कैसे करें? तो इसको इंटीजर्स के रूप में लें और प्रिंट स्टेटमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज कर दें। मतलब हम वाई को एज ए इंटीजर लें और कैलकुलेशन को प्रॉपरली जैसा हम अब चाहते हैं वैसा प्रिंट कर दें। तो हमने इंटीजर के रूप में लिया, 0.1 की जगह 1 ले लिया, 1.0 की जगह 10 ले लिया। मतलब हम वाई को 10, जो प्रेजेंट वैल्यूज उनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो सभी वैल्यूज इंटीजर्स हो जाएंगी, तो वो वाई की वैल्यूज ले ली। चूँकि वाई हम एज ए इंटीजर ले रहे हैं तो कैलकुलेशन में वाई में 10 का भाग देने पर वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो 0 ना हो इसलिए पहले वाई को फ्लोट के रूप में बनाया
और बाद में उसमें 10 का भाग दे दिया, तो जो हम इन आउटपुट ऊपर वाले से चाहते हैं वो ही मिल जाएगा। एक स्विच स्टेटमेंट है जिसमें पैरेंथेसिस में एन लिखा है और बाद में केस वन मैच करे तो पुट्स द नंबर इज वन प्रिंट कर दे, केस टू मैच करे तो द नंबर इज टू प्रिंट कर दे, नीचे ब्रेक स्टेटमेंट, बाद में डिफॉल्ट में पुट्स में लिख दिया प्रिंट द नंबर इज नॉट वन और टू, और बाद में ब्रेक डाल लिख दिया। इसमें क्या गलती है? वैसे देखा जाए तो इस प्रोग्राम इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, कंपाइलर इसमें कोई गलती नहीं ढूंढेगा, कंपाइलर इसको कंपाइल कर देगा, हम जब रन करेंगे तो आउटपुट भी हमें मिलेगा। लेकिन इसमें गलती यह है कि इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है। किस तरह से? ये स्टेटमेंट यदि हम वन इनपुट में देंगे, एन की वैल्यू वन है, तो ये नंबर इज वन भी प्रिंट करेगा और नंबर इज टू भी प्रिंट करेगा, क्योंकि ब्रेक इसको नहीं मिला है, तो ये आगे कंटिन्यू जो भी लिखा है उसको करता जाएगा। सुधारें कैसे? तो जो फर्स्ट केस वन है उसमें प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में केस टू से पहले ब्रेक स्टेटमेंट डाल दें, तो ये सुधर जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया, सुधर गया। डबल स्लैश टू प्रिंट द वैल्यूज 1 to 10, एन इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन व्हाइल एन इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट एफ यू डी एन प्लस प्लस। इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं। एक गलती ये है कि जो रिलेशन ऑपरेटर हमने लिखा है एन लेस देन 10, हम 1 to 10 प्रिंट करना चाहते हैं एन लेस देन 10 के लिए, यहाँ पर ये 10 प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ एक तो हमें एन लेस देन 10 की कंडीशन गलत मिल रही है, दूसरा कन्वर्जन स्पेसिफायर के रूप में हमने यू डी लिख रखा है। कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज से स्टार्ट होता है, तो यहाँ यू डी नहीं लिख सकते। तो क्या किया जाए? तो इसमें लेस देन का साइन है व्हाइल स्टेटमेंट की कंडीशन में, वहाँ लेस देन इक्वल टू लगाया जाए, और जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है वहाँ परसेंटेज डी या परसेंटेज यू, जो एन का डिक्लेरेशन जिस तरह का उस तरह से लिखा जाए, तो सुधारने पर ये बन जाता है। एक स्टेटमेंट है फोर एक्स इक्वल टू 100 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस प्लस एक्स प्रिंट एक्स। इसमें क्या गलती है? तो इसमें भी दो गलतियां हैं। पहली गलती है फोर स्टेटमेंट के में एफ अपर केस में लिखा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है इसलिए एफ को लोअर केस में लिखना होगा। दूसरी गलती है हम एक्स की इनिशियल वैल्यू 100 कर रहे हैं, इंक्रीमेंट के रूप में हम प्लस प्लस एक्स कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वैल्यू एक्स की 101 होगी, बाद में 102 103 एंड सो ऑन आगे बढ़ती रहेगी। कंडीशन हमने लगाई है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, और ये एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, अनंत लूप बन जाएगा। इसको कैसे सुधारा जाए? इसके अलावा इसमें एक और गलती है, वह है जो सेपरेटर हैं सेमीकोलन सेपरेटर हैं उसकी जगह कोमा सेपरेटर लिख रखे हैं, यहाँ सेमीकोलन सेपरेटर आना चाहिए। कैसे सुधारा जाए? तो जो अपर केस एफ है उसकी जगह लोअर केस एफ लिख दिया जाए फॉर कीवर्ड में, सेपरेटर है वहां सेपरेटर कोमा सेपरेटर को सेमीकोलन सेपरेटर से रिप्लेस किया जाए, और प्लस प्लस एक्स की जगह एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स लिखा जाए। एक स्टेटमेंट है जिसमें हम चाहते हैं कि वो किसी इंटीजर गिवन वैल्यू को चेक करे कि वो इंटीजर इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, और कोरस्पोंडिंगली प्रिंट करे। इसके लिए हमने एक स्विच स्टेटमेंट लिखा है जिसमें इनपुट में वैल्यू परसेंटेज टू, मतलब वैल्यू का 2 से रिमाइंडर, बाद में केस यदि 0 है तो इवन इंटीजर, केस 1 है तो ऑड इंटीजर, ऐसा प्रिंट कर दे, ऐसा हमने लिख दिया। इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है कि इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला,
जिससे यदि इंटीजर इवन है तो केस जीरो मैच करेगा और इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर दोनों आउटपुट में प्रिंट में देगा। कैसे सुधारें? तो ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं, एट लीस्ट केस जीरो के प्रिंट के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं। हम एक कुछ प्रो स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिसमें स्कैन एफ लिखा है जो एक इंटीजर वेरिएबल को रीड करता है, बाद में एक सी एच ए आर वी ए एल इक्वल टू गेट सी एच ए आर लिखा है। गेट सी एच ए आर एक फंक्शन है जो एक करेक्टर रीड करके उसकी वैल्यू सी एच ए आर वी एल को असाइन कर देता है। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जब इंटरेक्टिव रन किया जाए तो ये एक इंटीजर और एक करेक्टर रीड करे और वो इंटीजर और करेक्टर इस तरह से दिए हो 100 स्पेस ए अपर केस ए, तो ये रीड करे 100 मतलब 100 को एज इंटीजर और स्पेस के बाद में ए लिखा उस ए को एज ए करेक्टर रीड करे और बाद में प्रिंट करे, तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है इंटीजर कोलन परसेंटेज डी कन्वर्जन स्पेसिफायर, बाद में न्यू लाइन करेक्टर कोलन परसेंटेज सी कन्वर्जन स्पेसिफायर एंड न्यू लाइन और आर्ग्यूमेंट्स में इंट वेल और सी एच आर वी एल। इसमें क्या गलती है? तो यहाँ प्रोग्राम में गलती कुछ नहीं है, लेकिन इनपुट हम दे रहे हैं उसमें एक इंटीजर के बाद में स्पेस बाद में ए दे रहे हैं। स्पेस अपने आप में एक करेक्टर होता है, तो हमें देखने को मिलेगा कि करेक्टर आउटपुट में मिल ही नहीं रहा, इसलिए हमें इसको ठीक करने के लिए या तो करेक्टर है उसको दो बार रीड करना पड़ेगा, जिससे पहले जो स्पेस मिला है उसको इग्नोर कर दे और उसके बाद में जो करेक्टर दिया उसको रीड करे, या हमें कंडीशन लगा के लूपिंग में करेक्टर रीड करना पड़ेगा कि जब तक कि कोई विजुअल करेक्टर ना मिले तब तक ये करेक्टर को इग्नोर करके दोबारा रीड करता ही रहे। एक फॉर स्टेटमेंट है जिसमें एक्स की वैल्यू 0.000001 इनिशियलाइज की गई है, एक्स पे कंडीशन लगाई गई है एक्स शुड बी इक्वल टू 0.0001 और इंक्रीमेंट लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू 0.000001। फिर 7 प्रिसीजंस के साथ मतलब दशमलव के बाद में 7 डिजिट तक प्रिंट हो ऐसा एक फ्लोट नंबर और वो नंबर है एक्स प्रिंट किया जा रहा है, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? तो यहाँ पर गलती ये है, एक तो दो गलतियाँ हैं, एक तो हम जब कंपैरिजन के काम में लेते हैं तो हम फ्लोटिंग नंबर्स को काम में नहीं लेते, हम रिपीटेशन स्टेटमेंट में इंटीजर्स को काम में लेते हैं, और दूसरी गलती है जो इक्वलिटी की कंडीशन है वो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही सेटिस्फाई नहीं होगी, लूप में जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ हमें यूजफुल कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या चेंज किया जाए? तो एक्स को इंटीजर्स में चेंज किया जाए, कोरस्पॉन्डिंगली जो हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं उसको चेंज कर दिया जाए, और जो कंडीशन लगाई है एक्स इज इक्वल्स टू 0.001 उसकी बजाय लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगाई जाए, तो एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, एक्स लेस देन इक्वल टू 100, एक्स में 1 का इंक्रीमेंट प्रिंट कर रहे हैं, वहाँ एक्स की फ्लोटिंग वैल्यू में 1 बिलियन का भाग दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट लिखा है जहां हम चाहते हैं कि वो 999 से स्टार्ट करे और जो भी विषम संख्याएं हैं उनको प्रिंट कर दे, इसके लिए लिखा है फोर एक्स इज इक्वल टू 999 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एक्स प्लस इक्वल टू 2 मतलब एक्स की वैल्यू 2-2 इंक्रीज हो जाए और एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है? तो इसमें कंपाइलर हमें कोई गलती नहीं देगा, जब रन करेंगे तो ये एक इनफिनिट लूप मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 999 से स्टार्ट की है, कंडीशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की है,
इंक्रीमेंट में एक्स में दो ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1001, उसके बाद में 1003, 1005 एंड सो ऑन चलती रहेगी। कंडीशन कभी नो नहीं कहेगी क्योंकि सारी वैल्यूज वन से ज़्यादा हैं, और हम जो चाहते हैं 999 से लेकर 1 तक प्रिंट हों अवरोही क्रम में, वो प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए ठीक करने के लिए हमें इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्लस इक्वल की बजाय माइनस इक्वल लिखना पड़ेगा और प्रोग्राम का ये सेगमेंट ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं एक आउटपुट है जो 2 से 100 तक की सम संख्याओं को, इवन नंबर्स को, इवन इंटीजर्स को प्रिंट करे। उसके लिए सेगमेंट दिया है काउंटर इक्वल टू 2, डू उसमें लिखा है इफ़ काउंटर परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0 प्रिंट काउंटर। काउंटर को 2 से इंक्रीज कर दिया वाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 100। इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती नहीं, इसमें गलतियां हैं। कितनी? पहले इसमें डू और वाइल जो लिखे हैं उनमें डू में डी और वाइल में डब्ल्यू अपर केस में लिखे हैं, सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, ये दोनों लोअर केस में आने चाहिए। इसके अलावा हम 100 तक प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब 100 को भी प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन में लिखा है काउंटर लेस देन 100 लेस देन 100, तो हमें यहाँ लेस देन नहीं, लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन डालनी पड़ेगी। और उसके बाद में जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा, काउंटर को 2 से इनिशियलाइज किया, डू में इफ काउंटर इज परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 2 काउंटर को प्रिंट कर दिया और काउंटर में 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ हम ये इफ स्टेटमेंट ना लिखें तो भी सही होगा क्योंकि काउंटर को हम 2 से इनिशियलाइज किया और 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर एक्स इक्वल टू 100 से इनिशियलाइज किया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 150 की कंडीशन है और एक्स में एक एक का इंक्रीमेंट है और टोटल प्लस इक्वल टू एक्स लिख दिया है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम क्या करेगा? तो ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि ये 100 से लेकर 150 तक की जो इंटीजर्स हैं, 150 तक के जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर ले टोटल में और टोटल को इनिशियलाइज 0 से यदि किया हुआ हम मान लें तो ये सेगमेंट गलत है या सही है? ये सेगमेंट गलत है। क्या गलती है? तो यहाँ पर एक फोर स्टेटमेंट का की बॉडी स्टार्ट होने से पहले सेमीकोलन लगा दिया है, इसलिए ये फोर स्टेटमेंट खुद में ही पूरा हो जाएगा और बॉडी जो लिखी है वो कुछ भी काम नहीं करेगी। ठीक करने के लिए वो सेमीकोलन हटाना पड़ेगा और वो सेमीकोलन हटाते ही ये सही है। स्टेट विच वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एक्स आर प्रिंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ फोर स्टेटमेंट बताए दिखाए दे रहे हैं और उनमें बताना है कि उनका आउटपुट क्या होगा, क्या प्रिंट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है फोर एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 13, एक्स प्लस इक्वल टू 2 प्रिंट एक्स। तो यहाँ पर एक्स है उसको 2 से इनिशियलाइज किया है, एक्स की मिनिमम वैल्यू हमने 13 कर दी है, मतलब कंडीशन में एक्स 13 तक जाए और एक्स प्लस इक्वल टू 2 हो तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 है वो प्रिंट होगी क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट एक ही जगह है, बाद में x की वैल्यू 2 से इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी तो 4 प्रिंट होगा, उसके बाद में x की वैल्यू 6 तो 2 न्यू लाइन में 4 न्यू लाइन में 6 न्यू लाइन में 8 न्यू लाइन में 10 न्यू लाइन में 12 है, एंड देन x की वैल्यू जब 14 होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसलिए 12 तक प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सारे न्यू लाइन में मिलेंगे। ये नया स्टेटमेंट है जिसमें x की इनिशियल वैल्यू 5 ली है, कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 22 लिया है
और एक्स में 7 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 5 है, इसलिए 5 सबसे पहले प्रिंट होगा, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद में एक्स में 7 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 5 के बाद में 12 है, और 12 के बाद में 19, और उसके बाद में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो 5, 12 एंड 19 प्रिंट होगा। नेक्स्ट, एक्स को 3 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन में एक्स लेस देन इक्वल टू 15 लिखा, और एक्स में 3 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 प्रिंट होगा, बाद में एक्स की वैल्यू में 3 का इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगा, प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा, 15 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है, तो 15 भी प्रिंट होगा, 3, 6, 9, 12 एंड 15 प्रिंट होगा। नेक्स्ट, एक्स को 1 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 5 है और 7 का इंक्रीमेंट है। यहाँ पर एक्स की फर्स्ट वैल्यू 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वो वैल्यू प्रिंट होगी। बाद में एक्स की वैल्यू में 7 का इंक्रीमेंट है, मतलब एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए वो कुछ भी आगे प्रिंट नहीं होगा और हमें आउटपुट में ओनली 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्स इक्वल टू 12 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा है, और एक्स में 3 का डिक्रीमेंट किया है, 3 हर बार एक्स की वैल्यू 3 से कम हो जाए। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 12 है, जो 2 से बड़ा है, ट्रू है, 12 प्रिंट होगा, उसके बाद में 3 कम होगा, मतलब 12 की जगह एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रिंट होगा, देन एक्स की वैल्यू और 3 कम होगी, 6 होगी, प्रिंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 होगी, प्रिंट हो जाएगा, देन एक्स की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और वो प्रिंट नहीं होगा, 12 एंड 9, 6 एंड 3 प्रिंट होगा। एक फोर स्टेटमेंट लिखना है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रिंट कर दे, तो हमें एक लूप लगाना है जो 1 से स्टार्ट हो और 7 तक चले और एक एक का इंक्रीमेंट हो वेरिएबल में। तो फोर स्टेटमेंट होगा जिसमें एक्स को 1 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 7 लगा दी और एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स को प्रिंट कर दिया। एक नया स्टेटमेंट लिखना है जो 3, 8, 13, 18 और 23 प्रिंट कर दे। हम इनका डिफरेंस देखिए तो 3, 8, 8, 13, 13, 18, 18, 23 में 5 का डिफरेंस आ रहा है। लाइक फोर स्टेटमेंट लिखना है जो इनिशियलाइज 3 से हो और इंक्रीमेंट उसमें 5 का हो, कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 23 लगे, तो ये फोर स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, 14, 8, 2, -4, -10 प्रिंट हो, तो इसमें भी हम एक्स की इनिशियल वैल्यू 20 ले लें, यहाँ डिफरेंस 6 का आ रहा है और 6 का डिक्रीमेंट है, मतलब कंडीशन लगा दें कि एक्स की वैल्यू 10, -10 के इक्वल या उससे बड़ी हो और डिक्रीमेंट 6 का हो रहा हो, तो ये फोर स्टेटमेंट हो जाएगा जिसमें एक्स को इनिशियलाइज 20 से किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू -10 किया है और एक्स में डिक्रीमेंट 6 का किया है। नेक्स्ट है 19, 27, 35, 43 एंड 51 प्रिंट हो, तो यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 19 + 8 = 27 होता है, 27 + 8 = 35, 35 + 8 = 43, 43 + 8 = 51। इनिशियलाइज 19 से करें एंड 51 पर हो, मतलब कंडीशन 51 की लगाएं और इंक्रीमेंट 8 का करें, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 19, एक्स लेस देन इक्वल टू 51, एक्स प्लस इक्वल टू 8 और एक्स को प्रिंट कर दिया। ये नीचे जो प्रोग्राम लिखा है ये क्या करेगा, एक प्रोग्राम लिखा है जो क्या करेगा हमें समझना है। तो इसमें हम पहले वो स्टेटमेंट देखते हैं जो प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है प्रिंट है जिसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट होनी है, स्ट्रिंग की जगह एक एट का साइन प्रिंट होना है,
और दूसरा स्टेटमेंट है जो जिसमें पुट्स लिखा है, मतलब वो सिर्फ न्यू लाइन प्रिंट करेगा। जो प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है जो एट को प्रिंट करेगा वो एक फॉर स्टेटमेंट में है जो जे पर रन हो रहा है, जिसका काउंटर वेरिएबल जे है, और वो जे इक्वल टू 1 टू एक्स के लिए चलेगा, मतलब एक्स की जो इनपुट वैल्यू होगी उतनी बार एट का साइन प्रिंट होगा। और ये स्टेटमेंट इंक्लूडिंग जो पुट्स स्टेटमेंट है वो एक दूसरे लूप में है, जो आई नाम के काउंटर वेरिएबल पर रन हो रहा है, और 1 टू y प्रिंट चल रहा है। मतलब सबसे पहले अक्स की जो वैल्यू है उतनी बार ए एट साइन प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन में जाएगा, फिर अक्स की जो उतने ही ए बार ए प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन में जाएगा, फिर उतनी बार ए प्रिंट होगा, और इस तरह से कितनी बार न्यू लाइन में जाएगा जो वाई की वैल्यू है, मतलब वाई नंबर ऑफ रोज है और हर रो में अक्स की जो वैल्यू है उतने एट प्रिंट होंगे। जैसे हमने इसको रन करके देखा, इनपुट में हमने 4 एंड 5 दिया तो हर रो में 4 एट के साइन और ऐसी 5 लाइन्स प्रिंट होंगी। हम एक एग्जाम्पल इसको करके देख लें। तो ये एक सी प्रोग्राम है जो अभी पूरा दिखाई दे रहा है साथ में, जिसमें एक्स वाई आई और जे को अनसाइन इंटीजर के रूप में डिक्लेयर किया, बाद में एक्स और वाई को रीड किया इंटरेक्टिव रन में। तो जो रन किया है उस पार्ट को देख लेते हैं जूम करके। तो एक्स और वाई को एज ए इंटीजर अनसाइन इंटीजर रीड किया, बाद में दोनों फॉर लूप आ गए, उनमें एक प्रिंट स्टेटमेंट आ गया जो एट को प्रिंट कर रहा है, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट आ गया जो न्यू लाइन को प्रिंट कर रहा है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो इसको कंपाइल करने के लिए GCC माइनस ओ एग्जाम्पल एग्जाम्पल रन करें। तो रन करने पर ये एक्स और वाई की वैल्यू मांग रहा है, हमने 1 एंड 1 दे दी, तो एक कॉलम एंड एक रो आना चाहिए जिसमें एक बार एट आना चाहिए, आ रहा है। हम 2 एंड 2 दे देते हैं तो 2 बाई 2 का स्क्वायर बन गया। हम 1 एंड 3 दे देते हैं तो पहला एट कितनी बार प्रिंट होगा एक लाइन में वो बताता है, और दूसरा नंबर ऑफ लाइंस बता रहा है। 1 ने 1 दिया मतलब एक बार एट प्रिंट होगा हर लाइन में, और 3 ऐसी लाइंस होंगी, 3 ऐसी रोज होंगी, पंक्तियाँ होंगी। हम फिर रन करते हैं, इनपुट में 2 एंड 4 दे दे 2 स्पेस 4 दे देते हैं तो हर लाइन में 2 बार 8 प्रिंट होगा और ऐसी 4 लाइनें होंगी। हम 4 एंड 2 दे देते हैं तो हर लाइन में 4 टाइम्स a प्रिंट होगा और ऐसी 2 पंक्तियाँ होंगी। ये हो गया, इसको रन करके देख लिया। राइट ए प्रोग्राम दैट सम्स ए सिक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, अज्यूम दैट द फर्स्ट इंटीजर रीड्स विद स्कैनफ, स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ वैल्यूज रिमेनिंग टू बी एंटर्ड। योर प्रोग्राम शुड रीड ओनली 1 वैल्यू ईच टाइम स्कैनफ इज एग्जीक्यूटेड। ए टिपिकल इनपुट सिक्वेंस माइट बी वेयर 5 इंडिकेट्स दैट द सबसिक्वेंट 5 वैल्यूज आर टू बी सबमिटेड। मतलब हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कुछ इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का अनुक्रम है उसको रीड करे। उसमें पहली बार एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना है जो ये रीड करेगा कि कितने सीक्वेंस में नंबर हम इनपुट में देंगे, और उसके बाद में एक लूप में एक स्कैनफ स्टेटमेंट डालना है जो एक बार में एक ही इंटीजर को रीड करता हो और हमने जो पहले नंबर दिया था उतने इंटीजर रीड करे। जैसे इनपुट में हम देते हैं 500, 200, 300, 400, 500, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रहे हैं इस सीक्वेंस में, और बाद में वो पांचों नंबर लिख दिए तो हम वो 5 नंबर्स दे रहे हैं। ये प्रोग्राम होगा।
जिसमें हमने डिक्लेयर किया है एन नम आई एंड सम को, सम को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अच्छा, उस सीक्वेंस के इंटीजर्स को सम भी करना है, उनको समेशन करना है, वो जो नंबर रीड किया उनका सबका एडिशन करना है और बाद में प्रिंट करना है जो भी एडिशन आ रहा है। इसे सम को इनिशियलाइज किया है जीरो से, बाद में नंबर जो नंबर ऑफ वैल्यूज इस सीक्वेंस में वो रीड किया, जिसको एन को असाइन होगी वो वैल्यू, मतलब एन को रीड कर लिया, बाद में लूप लगाया जो आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन के लिए चलेगा, बाद में स्कैन कर लिया, मतलब जो भी नंबर सीक्वेंस के उनको रीड कर रहे हैं और रीड करके सम में ऐड कर रहे हैं, फाइनली सम को प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा है जिसमें एन नम आई को प्रिंट डिक्लेयर किया, सम को इनिशियलाइज किया, एन को रीड किया, फिर फॉर लूप स्टार्ट किया आई इक्वल टू जीरो से, और फिर कंडीशन लगा दी, इंक्रीमेंट लगा लिख दिया, बाद में जो भी नंबर्स हैं सीक्वेंस के उनको रीड कर रहे हैं, सम में ऐड किया और फिर उनको प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, रन किया, पाइप इनपुट में दिया 100, 200, 300, 400, 500 और इनका समेशन 1500, 1500। दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ मैं 10 इनपुट में देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सही आ रहा है। फिर से करते हैं, 4 इनपुट में देता हूँ, 120, 211, 13, 123, 33 एडिशन, इन चारों नंबर्स का एडिशन 487 आ रहा है, मतलब प्रोग्राम सही है। Write a program that calculates and prints the average of several integers. Assume the last value reads with the scan f is the sentinel 999. A typical input sequence might be this, indicating that the average of all the values preceding 999 is to be calculated. एक इस प्रोग्राम लिखना है जो काउंटर कंट्रोल्ड नहीं है, सेंटिनल कंट्रोल्ड है, फॉर लूप या वाइल लूप जो भी लिखना है, और उसमें हम एक नंबर को रीड करेंगे, सीक्वेंस के नंबर को रीड करेंगे, यदि वो नंबर 9999 नहीं है तब तक वो रीड करता रहे और जो भी नंबर है उनका एवरेज कैलकुलेट कर दे। तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें नम आई सम और एवरेज को पहले डिक्लेयर किया, सम को जीरो से इनिशियलाइज किया, फिर लूप लगा दिया फॉर लूप जिसमें आई इक्वल टू जीरो से स्टार्टिंग किया, कंडीशन नम इज नॉट इक्वल टू 999 लगा दिया और इंक्रीमेंट काउंटर वेरिएबल आई को इंक्रीमेंट में लगा दिया, सम में नम को ऐड कर दिया, फिर नम को फिर से रीड कर लिया, इस तरह से जब तक नम की वैल्यू 9999 नहीं मिलेगी तब तक ये रीड करता रहेगा और सम में ऐड करता रहेगा। यहाँ काउंटर वेरिएबल ऑटोमेटिकली आई है वो काउंटर वेरिएबल बन रहा है जो काउंट कर रहा है, फाइनली सम में आई का भाग दे दिया और हमें एवरेज मिल गया। एग्जाम्पल देखें तो ये प्रोग्राम है, उसको दोबारा लिख लिया है, इंट नम सम इनको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सम को इनिशियलाइज कर दिया, नम को रीड कर लिया, फॉर स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया जिसमें आई को इनिशियलाइज कर दिया, नम पे सेंटिनल वैल्यू से कंडीशन लगा दी, इंक्रीमेंट कर दिया, सम में नम को ऐड कर दिया, फिर नम को फिर से स्कैन कर लिया, आगे एवरेज इक्वल टू सम अपॉन आई कर लिया और एवरेज को प्रिंट कर दिया। कंपाइल एंड रन करके देखें।
रन करें, कुछ वैल्यूज देते हैं, 1, 2, 10, 9, 9, 9, 9. टेन टू वन ये हो गया 13, 13 में 3 का भाग देने पर 4 पॉइंट समथिंग आता है। हमने इंटीजर के रूप में लिया है तो ये इंटीजर वैल्यू 4 आ गया। हमें जो वैल्यूज दी गई थी वो देखकर देखते हैं जो इनपुट में, तो हमें 10, 8, 11, 7, 9, 9, 9, 9, 9 इन वैल्यूज का, जो 5 वैल्यूज दी गई हैं उनका सम 45 आ रहा है। 5 वैल्यूज हैं, 45 में 9 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर 9 आता है, जो उसका एवरेज है। ये सब इंटीजर्स हैं इसलिए आउटपुट इंटीजर में आ रहा है। हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट। आगे जो कुछ लिखे हैं इनमें सबसे छोटे को छांटना है, मतलब स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट करना है। मतलब मैं कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं या कुछ नंबर दिए गए हैं, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमें छांटनी है। हम रीड करेंगे इंटीजर्स को और सबसे छोटी संख्या को छांटेंगे। इसके लिए हम पहले डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स, आई एन नम समलेस्ट। आई एक काउंटर वेरिएबल है जो लूप पे काउंटिंग का काम करेगा। एन भी एक काउंटर वेरिएबल है, एक एन कंडीशनल वेरिएबल है कि कितने सीक्वेंस में कितने नंबर हैं वो बताएगा। और नम सीक्वेंस के नंबर्स को रीड करने के लिए एक वेरिएबल लिया। स्मॉलेस्ट जो उनमें सबसे छोटा है वो हम मान रहे हैं, और सबसे छोटा मान रहे हैं उसको इनिशियली एक बड़ी संख्या दे देते हैं जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। एन को रीड किया, मतलब सीक्वेंस में कितने वैल्यूज हैं वो उसको रीड किया। फिर लूप स्टार्ट किया, लूप में इंडिविजुअल नंबर्स को रीड किया, उनको कंपेयर किया। यदि वो नंबर सम से स्मॉलेस्ट से बड़ा है, स्मॉलेस्ट से छोटा है, मतलब स्मॉलेस्ट उस नंबर से बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट को वो वैल्यू असाइन हो जाए, और एंड में स्मॉलेस्ट को प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को चेक करके देखें, तो ये प्रोग्राम है जिसको दोबारा लिख लिया। आई नम स्मॉलेस्ट को डिक्लेयर किया, स्मॉलेस्ट को कोई बड़ी वैल्यू असाइन कर दी, एन को रीड किया, फॉर लूप स्टार्ट किया, उसमें नम को रीड किया, फिर कंडीशन स्मॉलेस्ट यदि नम से बड़ा है तो स्मॉलेस्ट को नम असाइन हो जाए, और उसके बाद में स्मॉलेस्ट को प्रिंट कर दिया। कंपाइल कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज जैसे 10 नंबर ऑफ वैल्यूज दे दी। अब कुछ इंटीजर्स देते हैं, 20, 30, 45, 50, 66, 7, 8, 10। तो इन नंबर्स में 5 सबसे छोटा है, इसने काउंट किया, कैलकुलेट किया और 5 को प्रिंट कर दिया। हम और नंबर देके देख सकते हैं, जैसे 5 इनपुट में दिया, 5 इंटीजर्स देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 1 प्रिंट कर दिया। हम फिर से देके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फिर भी 1 प्रिंट कर दिया। हम किसी और ऑर्डर में देके देखें, तो 5 इंटीजर्स, 12, 13, 7,
फिफ्टीन सिक्सटीन तो सेवन को प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम लिखना है जो इवन इंटीजर्स हैं टू टू थर्टी उनका समेशन कर दे, उनको ऐड कर दे। तो प्रोग्राम हम लिखेंगे, एक लूप डिक्लेयर किया आई और सम को, सम को इनिशियलाइज किया, लूप काउंटर वेरिएबल आई इक्वल टू टू से स्टार्ट किया, लेस देन थर्टी आई प्लस इक्वल टू टू तक चला, सम प्लस इक्वल टू आई मतलब सम में आई को ऐड कर दिया और बाद में सम को प्रिंट करते जा रहे हैं, लास्ट में टोटल कितना होता है वो प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसमें कमेंट लिखा, इंक्लूड किया, आई और सम को डिक्लेयर किया, सम को इनिशियलाइज किया, लूप लगाया, टू से स्टार्ट होता है, थर्टी तक जाता है, टू का इंक्रीमेंट है, सम प्लस इक्वल टू आई लिखा, सम आई और सम को प्रिंट किया, सम को प्रिंट कर दिया। कंपाइल किया, रन किया, तो इसने टू बाद में फोर ऐड करने पर सिक्स हो जाता है, सिक्स ऐड करने पर ट्वेल्व हो जाता है, एट ऐड करने पर ट्वेंटी हो जाता है, टेन ऐड करने पर थर्टी, ट्वेल्व ऐड करने पर फोर्टी टू, फोर्टीन ऐड करने पर फिफ्टी सिक्स, सिक्सटीन ऐड करने पर सेवेंटी टू एंड सो ऑन, थर्टी तक ऐड करने पर टू फोर्टी हो जाता है। इसने पूरा प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम लिखना है जो एक से पंद्रह तक के जो इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, विषम संख्या हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको गुणा करके प्रिंट करें। तो ये प्रोग्राम है जिसमें आई और प्रोडक्ट को डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट को इनिशियली वन असाइन किया, बाद में फोर लूप लगाया जो आई इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन तक जाता है और प्लस टू का इंक्रीमेंट करता है, प्रोडक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया और बाद में आई और प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया, लास्ट में प्रोडक्ट को फाइनली फिर से प्रिंट कर दिया। एग्जांपल लेके देखें तो ये एग्जांपल है जिसमें आई और प्रोडक्ट को डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट इक्वल टू वन किया, आई इक्वल टू वन इनिशियलाइज किया फॉर लूप में, कंडीशन प्लेस देन फिफ्टीन की लगा दी, टू का इंक्रीमेंट कर दिया, प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू आई कर दिया मतलब प्रोडक्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई और प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया, फाइनली प्रोडक्ट क्या आता है उसको प्रिंट कर दिया। कंपाइल और रन करके देखें, कंपाइल हो गया, रन किया तो ये प्रोडक्ट एक नंबर का एक है, तीन से मल्टीप्लाई करने पर तीन आ जाता है, फाइव से मल्टीप्लाई करने पर फिफ्टीन आ जाता है, सेवन से मल्टीप्लाई करने पर वन जीरो फाइव आ जाता है एंड सो ऑन, सब का मल्टीप्लीकेशन टू जीरो टू सेवन जीरो टू फाइव आ जाता है। नेक्स्ट, कुछ इंटीजर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए प्रोग्राम हो गया आई एन और फैक्ट को डिक्लेयर किया, बाद में कोई नंबर रीड किया, एक लूप लगाया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया और आई और फैक्ट को प्रिंट कर दिया। करके देखें तो ये प्रोग्राम है जिसमें आई एन और फैक्ट को डिक्लेयर किया, फैक्ट को इनिशियलाइज किया, एन को रीड किया, लूप लगाया एन तक के लिए, फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया और देन आई एंड फैक्ट को प्रिंट कर दिया। कंपाइल और रन करके देखें, कंपाइल किया, रन किया, यहाँ कोई नंबर दे दिया जैसे फाइव, तो ये फाइव तक के फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया कि वन का फैक्टोरियल वन है, टू का टू है, थ्री का सिक्स है, फोर का ट्वेंटी फोर है, फाइव का वन ट्वेंटी है, यहाँ हम नंबर देते हैं टेन, तो टेन तक क्या जाते हैं, सिक्स का सेवन ट्वेंटी टू, एट नाइन टेन एंड नाइन एंड टेन का आ गया। हाँ, यहाँ हम यदि इनपुट में फिफ्टीन देते हैं तो यहाँ पर ट्वेल्व तक के फैक्टोरियल सही हैं, आगे गलत आ रहे हैं, जिसका कारण यहाँ कंप्यूटर की कितनी बिट इसमें ये काम में ले रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो जितनी बिट काम में ले रहा है वहाँ तक 12 तक के फैक्टोरियल ही सही आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोग्राम, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो पर ईयर के हिसाब से, पहले पर ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं,
तो पर ईयर के हिसाब से अमाउंट और अमाउंट प्रिंसिपल एंड रेट को डिक्लेयर किया। प्रिंसिपल अमाउंट को इनिशियलाइज किया है 1000 से, रेट को 0.05 से, और बाद में ईयर पे एक लूप लगाया जो फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला लिख के उससे कैलकुलेट करके ईयर और अमाउंट को प्रिंट कर दिया। हम एग्जांपल देखें। तो ये प्रोग्राम है जिसको फिर से लिखा, अमाउंट कैलकुलेट की और अमाउंट एंड ईयर को प्रिंट कर दिया। कंपाइल करके देखें तो जीसीसी माइनस ओ एग्जांपल एग्जांपल, यहाँ माइनस एलएम लगाना पड़ेगा क्योंकि मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं, और बाद में रन कर दिया तो ये अमाउंट एंड ईयर एंड अमाउंट आ गई है। अब हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं कि पर ईयर के हिसाब से जो कर रहे हैं उसकी बजाय रेट चेंज कर देते हैं। तो पहले हमने ईयर को रेट फिक्स कर दी थी, इस बार रेट की बजाय ईयर फिक्स कर दी 5, और रेट को हमने एज ए इंटीजर इनपुट दे दिया। अब रेट हम यहाँ लिख रहे हैं वो परसेंटेज में होनी चाहिए, मतलब हमने 5 लिखा है मतलब 5% है। हम 10% तक कैलकुलेट करते हैं कि 5% रेट है पर ईयर तो क्या होगा, 10% रेट है तो क्या होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में यहाँ रेट को 100 से डिवाइड करें या 0.01 से रेट को मल्टीप्लाई कर दें, ये फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा और वैसा वैसा रहेगा। करके देखते हैं। तो ये फॉर्मूला फिर से लिख लिया, इसमें 0.01 स्टार रेट लिख दिया, और बाद में रेट और अमाउंट को प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखें। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, रन करें तो ये रेट यदि 5% लगाते हैं तो हमने जो 10 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला वो 1276 होगा। 6 ईयर्स का 5 ईयर्स का 5% रेट से, 6% रेट से, 7%, 8%, 9% एंड 10% रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दिया है। ट्राइंगल प्रिंटिंग प्रोग्राम, अब वो प्रोग्राम लिखने हैं जो इस तरह के ट्राइंगल प्रिंट कर दें। पहला प्रोग्राम लिखना है जो इस तरह ट्राइंगल प्रिंट करे जिसमें पहली लाइन में एक स्टार हो, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार एंड सो ऑन। तो सिंपली एक लूप लगाया आई इक्वल टू 0 to n, दूसरा लूप जे इक्वल टू 0 to j <i> तक लगा दिया, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार प्रिंट होंगे, और ये प्रोग्राम लिख दिया। दूसरे में शुरुआत में ज़्यादा स्टार लिखने हैं, बाद में कम, तो उसमें हम लूप है दूसरा लूप या तो n-i तक लिखें या जे दूसरे अंदर वाला लूप जे इक्वल टू आई से स्टार्ट कर दें। आई की वैल्यू कम है, जे लेस देन एन चलेगा, तो इनिशियली एन की वैल्यू कितनी उतना चलेगा, बाद में आई की वैल्यू ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी त्यों त्यों इसमें नंबर ऑफ स्टार्स कम प्रिंट होते जाएंगे। नेक्स्ट है पीछे वाला ही ट्राइंगल प्रिंट करना है, लेकिन इसमें अब पहले स्पेस आने चाहिए, उसके बाद में स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो इसमें हम जो दूसरा लूप है उसको, उसमें पहले एक स्पेस प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे जो सिंपली जितनी आई की वैल्यू उतने स्पेस प्रिंट करे, उसके बाद में स्टार प्रिंट करे। नेक्स्ट में स्टार जितने लाइन नंबर के अनुसार आने चाहिए, लेकिन पहले स्पेस आने चाहिए, तो उसमें पहले स्पेस के लिए जितने n-i की वैल्यू उतने स्पेस प्रिंट किए, और उसके बाद में स्टार प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिख दिया। पूरा प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम है जिसमें पहले फर्स्ट ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए एक लूप स्टार्ट किया, उसमें दूसरा लूप जे लेस देन इक्वल टू आई तक के लिए किया, स्टार प्रिंट किए और न्यू लाइन
बाद में नेक्स्ट सेकंड ट्रायंगल के लिए, तो सेकंड ट्रायंगल के लिए एक लूप स्टार्ट किया, दूसरा लूप लिया जो आई इक्वल टू जे इक्वल टू आई से स्टार्ट होके जे लेस देन एन तक जा रहा है और स्टार प्रिंट कर दिया। तीसरा तीसरे ट्राइंगल के लिए एक लूप लिया, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया आई लेस देन एन, दूसरा जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन आई तक, और वो स्पेस प्रिंट करता है। उसके तो बाद में नेक्स्ट उसी में जे इक्वल टू आई से जे लेस देन एन तक के लिए स्टार प्रिंट करने का लूप लिया। उसके बाद में नेक्स्ट चौथा फोर्थ ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पर स्पेस आई प्लस वन से एन तक प्रिंट हो रहे हैं और स्टार प्रिंट हो रहे हैं। कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो रहा है, रन, ट्राइंगल साइज देते हैं 4, तो यहाँ ये 4 प्रिंट हो गए हैं, ट्राइंगल्स प्रिंट हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। हम इसको फिर से रन करते हैं और इनपुट में दे देते हैं 10, तो हमें 10 साइज के ट्राइंगल मिल रहे हैं, पहला ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल और ये चौथा राइट एंगल ट्राइंगल। बार चार्ट प्रिंटिंग प्रोग्राम, बार चार्ट को प्रिंट करना है। बार चार्ट क्या होता है? तो ये बार चार्ट होता है, एक स्केमेटिक डायग्राम दिया है जिसमें जैसे दो तरह के बार चार्ट दिए हैं, ब्लू एंड रेड, जो दिखा रहे हैं कि कोई वैल्यू, यहाँ एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 100 तक, और वाई एक्सिस पे टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 इस तरह से कुछ स्कोरिंग कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट इनिंग में टीम 1 में ने 24 का स्कोर किया, तो 24 एक्स एक्सिस में 24 तक एक बार आ गई है। सेकंड इनिंग में उसी टीम ने पीरियड 2 में 85 का स्कोर किया, तो 85 तक एक रेड बार आ गई। इसी तरह से टीम 2 ने फर्स्ट इनिंग में 30 का स्कोर किया, 35 का स्कोर किया, तो 35 तक ब्लू लाइन आ गई है। और टीम 2 ने सेकंड इनिंग में या पीरियड 2 में 24 का स्कोर किया, तो 24 तक रेड बार आ गई है। इसी तरह से ये बार बनाते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे हमने जो भी टीम ली है उसका नाम लिखते हैं, और उसने जितना उसने स्कोर किया उतना ही आगे बार बना देते हैं, उतना बड़ा। प्रोग्राम में हम ये काम करने के लिए स्टार या पाइपलाइन काम में लेके बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएं? तो हम कुछ नंबर रीड करते हैं, उतने ही स्टार प्रिंट कर देते हैं। हम एक लूप लगाते हैं, जैसे 5 बार्स का बना रहे हैं, 5 टीम्स के लिए बना रहे हैं, तो आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन 5 तक के लिए एक लूप लिखा जिसमें किसी वेरिएबल एन को रीड कर रहे हैं, वो वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, और आगे एक लूप में जो वेरिएबल रीड किया उतनी बार स्टार प्रिंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये वो ही प्रोग्राम है जो हम देख रहे थे। एक लूप लिया आई लेस देन 5 के लिए, एन को रीड किया, बाद में एन की वैल्यू प्रिंट की, दूसरा लूप स्टार्ट किया, जितनी एन की वैल्यू उतने स्टार प्रिंट किए और न्यू लाइन में चले गए। कंपाइल करके देखें तो जीसीसी माइनस ओ कंपाइल हो गया। 1 से 30 तक के इंटीजर्स, तो जैसे हमने वैल्यूज दे दी 10, 20, 30, 5 एंड 5। तो फर्स्ट रो में 10 स्टार्स प्रिंट हो गए, सेकंड में 20, थर्ड में 30, फोर्थ एंड फिफ्थ में 5 एंड 5। हम दोबारा रन करके देखें, यहाँ हम वैल्यूज दे देते हैं 10, 20, 30, 20, 10, तो उस तरह से जो वैल्यूज दिए उतने स्टार्स प्रिंट हो गए हैं।
ये मान लें कि आई की वैल्यू 1 है, जे की 2 है, के की 3 है, एम की 2 है, तो नीचे वाले स्टेटमेंट्स क्या करेंगे? तो पहला स्टेटमेंट है आई इज इक्वल्स टू 1, आई डबल इक्वल टू 1, यहाँ ये लॉजिकल स्टेटमेंट बन गए हैं। आई डबल इक्वल मतलब 1, मतलब आई की वैल्यू यदि 1 है तो ये ट्रू है, एल्स फॉल्स है। ट्रू मीन्स ये 1 है, फॉल्स मीन्स 0 है। आई की को हम इस तरह से इनको देखना है, तो हम सभी वेरिएबल्स को कंपेरिजन करके जिस तरह से ट्रू मीन्स 1 या फॉल्स मीन्स 0 जैसे बन रहा है वैसे देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आई डबल इक्वल 1 है, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ 1 लिया है, आई डबल इक्वल 1 ट्रू होगा, इसका मतलब ये 1 प्रिंट करेगा। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें जे डबल इक्वल 3 लिखा है, जे की वैल्यू 2 है और जे डबल इक्वल 3 मीन्स जे की वैल्यू 3, ये फॉल्स है, मतलब 0 प्रिंट करेगा। थर्ड, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ट्रू होगा। जे लेस देन 4, जे की वैल्यू 2 है, जो लेस देन 4 मीन्स ट्रू है, एंड ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है मीन्स आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट ये एम लेस देन इक्वल टू 99, यहाँ लेस देन और इक्वल टू के बीच में एक स्पेस आ गया है, ये इस लाइन में मिस्टेक है, यहाँ स्पेस नहीं आना चाहिए, ये मिस्टेक सुधारने पर, ये गलती सुधारने पर ये स्टेटमेंट इस तरह से हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। एम लेस देन इक्वल टू 99, एम की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल टू 99 ट्रू होगा। के लेस देन एम, के की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 2 है, के लेस देन एम फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, इसलिए ये 0 प्रिंट करेगा। आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3 एंड एम इक्वल टू 2, इसमें जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो जे ग्रेटर देन आई ट्रू होगा। के इक्वल टू एम, के 3 है, एम 2 है, तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, इसलिए इसका आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसमें के प्लस एम लेस देन जे, के की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 5 लेस देन जे, जे की वैल्यू 2 है, 5 लेस देन जे 0 फॉल्स होगा, क्योंकि 5 लेस देन 2 नहीं होता। और 3 माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, 3 माइनस जे, जे की वैल्यू 2 है तो 3 माइनस जे हो जाएगा 1, वो के की वैल्यू 2 है तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉल्स होगा, दोनों ही फॉल्स हैं, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, इसलिए आउटपुट 0 होगा। नॉट एम, यदि किस कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उसको ट्रू माना जाता है, एम की वैल्यू 2 है तो वो ट्रू है, नॉट लगाने पर वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 प्रिंट होगा। नॉट जे माइनस एम, जे की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 2 है, जे माइनस एम 0 होगा और नॉट 0 1 होगा, इस ट्रू होगा, इसलिए ये 1 प्रिंट करेगा। जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, जे 2 है, आई 1 है, तो जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई मतलब 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो कि ट्रू है। के इज इक्वल्स टू एम, के 3 है, एम 2 है, तो के इक्वल टू एम फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू होगा, ए ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा, इसलिए ये 1 प्रिंट करेगा। के प्लस एम लेस देन जे, के 3 है, एम 2 है, 3 प्लस 2 5, जे 2 है, 5 लेस देन 2 फॉल्स है। 3 माइनस जे, 3, जे की वैल्यू 2 है, 3 माइनस जे 1 होगा और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के की वैल्यू 3 है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉल्स होगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स मीन्स 0 प्रिंट करेगा। ये हम देख चुके हैं। के ग्रेटर देन एम, नॉट के ग्रेटर देन एम, के 3 है, एम 2 है, 3 ग्रेटर देन एम ट्रू है और नॉट लगते ही वो फॉल्स हो गया, मीन्स ये 0 प्रिंट करेगा। नॉट जे ग्रेटर देन के, जे 2 है, के 3 है, जे ग्रेटर देन के फॉल्स है, तो नॉट जे ग्रेटर देन के ट्रू हो गया, इसका मतलब ये 1 प्रिंट करेगा। देख लेते हैं प्रोग्राम में लिख के। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं 1 बाय 1।
इसमें पहले जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट पहले सबको इनिशियलाइज कर दिया, आई इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू, के इक्वल टू थ्री, एम इक्वल टू टू, बाद में प्रिंट किया है, ये वैल्यूज प्रिंट कर दी। बाद में प्रिंट स्टेटमेंट में पहले -25s मतलब लेफ्ट अलाइन एक स्ट्रिंग प्रिंट करें 25 करेक्टर्स में, और जो भी स्ट्रिंग हम कंपैरिजन के लिए स्ट्रिंग काम में ले रहे हैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद में उसकी क्या वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट कर रहे हैं, और इस तरह से सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं। इसको जूम करके देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, सेकंड स्टेटमेंट आ गया, थर्ड स्टेटमेंट आ गया, फोर्थ स्टेटमेंट आ गया, एंड सो ऑन, ये सारे स्टेटमेंट आ गए हैं। हम इनको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। gcc-o example example अब रन करके देखें तो ये आ गया, इनिशियली सब वैल्यूज को प्रिंट किया था, i इक्वल टू वन ट्रू है, वन प्रिंट हो रहा है, j इक्वल टू थ्री ट्रू है, ये फॉल्स है, जीरो प्रिंट हो रहा है, i ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू ट्रू है, j लेस देन फोर ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू प्रिंट मतलब वन प्रिंट हो रहा है, एम लेस देन इक्वल टू 99 ट्रू है, के लेस देन एम फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाता है, जीरो प्रिंट हो गया, जे ग्रेटर देन आई ट्रू है, के इक्वल टू एम फॉल्स है, जे ग्रेटर देन तो ट्रू है और फॉल्स ट्रू है मतलब वन प्रिंट हो गया, के प्लस एम लेस देन जे फॉल्स है, 3-j greater than or equal to k ये भी false है, false और false false तो zero print हो गया, not m, m non-zero मतलब true है, not m false हो गया तो zero print हो गया, j minus m zero है तो not zero true हो गया, one print हो गया, k greater than m ट्रू है तो नॉट के ग्रेटर देन एम फॉल्स हो गया, जीरो प्रिंट हो गया, जे ग्रेटर देन के फॉल्स है, और यहाँ नॉट प्रिंट करना भूल गया वो वन हो जाएगा। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पाई की एक सीरीज बनानी है जो पाई जिससे पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। पाई की सीरीज किस तरह से बनाएं तो एक मेथड यहाँ काम में लिया है जिसमें हम जानते हैं कि 1/(1+x)² का इंटीग्रेशन करें तो वो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसके अलावा हम एक्सपेंशन देखें तो 1/(1+x)² का टेलर सीरीज एक्सपेंशन 1-x²+(x⁴)-x²+(x⁶)-(x²+8) एंड सो ऑन एट एक्स इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ ये x⁻ है। यदि इस सीरीज का इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का x³/3, x⁴ का x⁵/5, x⁶ का x⁷/7 एंड सो ऑन, एक सीरीज बन जाती है। एक सिंपली जो इनिशियल इंटीग्रेशन था वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इक्वल टू हमें मिलता है x-x³/3+x²/5.5-x²/7.7+x²/9.9-x²/11.11 एंड सो ऑन। यदि हम x इक्वल टू जीरो रखें तो सीरीज बन टेन लेफ्ट साइड में मिलता है टेन इनवर्स जीरो प्लस सी, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, और राइट साइड में सारी वैल्यूज जीरो हो जाती हैं क्योंकि x इक्वल टू जीरो x सब में है तो x इक्वल टू जीरो पर जीरो हो जाती हैं, तो इससे हमें मिलता है c इक्वल टू जीरो, c की वैल्यू जीरो मिल जाती है। c यदि जीरो है तो ये सीरीज बन जाती है टेन इनवर्स x इक्वल टू x-x³/3+x²/5.5-x²/7.7+x²/9.9-x²/11.11 प्लस एंड सो ऑन। यदि इसमें x इक्वल टू वन रखें तो टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर होता है, और यदि पाई बाई फोर इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड में वन लिख दें तो सीरीज बन जाती है 1-1/3+1/5-1/7 एंड सो ऑन। तो हमें पाई इक्वल टू मिलता है 4-4/3+4/5-4/7+4/9-4/11+4/13- एंड सो ऑन। तो ये पाई की सीरीज हो गई है। इस सीरीज को यूज करते हुए हमें पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसके लिए एक लूप लगा लेते हैं।
अच्छा, इसमें साथ में ये भी करना है, पाई की वैल्यू जैसे थ्री ऑलमोस्ट 3.14159 26 होती है, तो ये 3.14 कब बनता है, 3.141 कब बनता है, 3.1415 कब बनता है, 3.14159 कब बनता है, तो वो कब बनते हैं वो नंबर भी काउंट करना है। तो इनिशियली हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया जो आई इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, और एक बड़ा नंबर लिख दिया काउंटर आई के साथ कंडीशन में, तब तक ये लूप चलता रहे। एक ट्रम नाम का वेरिएबल काम में लिया है जो माइनस ट्रम, मतलब वो सिर्फ साइन चेंज करता है, और सम में ट्रम अपॉन 2i+1 ऐड कर दिया है। फिर चेक कर रहे हैं कि सम मल्टीप्लाइड बाई 100 यदि 314 के इक्वल है तो फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। प्रिंट कर देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ स्टेप्स हो गई हैं। यहाँ एक और वेरिएबल लिया जे इक्वल टू जीरो, जिसको इनिशियलाइज भी कर दिया जे इक्वल टू जीरो से, क्योंकि एक बार ये स्टेप मिल गई उसके बाद हमें ये स्टेप रिपीटेटिवली प्रिंट नहीं करनी है, क्योंकि आगे के स्टेप्स में पाई की वैल्यू 3.14 से ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसलिए हम जे को इंक्रीज कर देते हैं और जे जीरो नहीं रहता। बाद में हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, यदि जे वन है तो सम को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें और चेक कर लें। इस तरह से हम ये चेक कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, और 1 मिलियन इटरेशंस मतलब 10 लाख इटरेशंस के बाद में पाई की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट कर प्रिंट कर देते हैं। एग्जांपल लेके देखें, तो ये जो प्रोग्राम लिखा था उसी को लिख रखा है। पहले इसको देखते हैं, हाँ ये पूरा प्रोग्राम एक साथ दिखाई दे रहा है। फॉर लूप स्टार्ट किया, ट्रम इक्वल टू माइनस ट्रम, सम में ट्रम अपॉन 2i+1 को ऐड कर दिया, बाद में सारी वैल्यूज की कंपैरिजन की कंडीशंस लगा दी। इसको जूम करके देख सकते हैं, तो ये जूम करने पर बनता है, हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये कंपाइल किया रन किया, तो रन करने पर ये कह रहा है कि 3.14 बनता है 118 स्टेप्स के बाद में, 118 इटरेशंस के बाद में 3.141 बनता है 1696 इटरेशंस के बाद में, 1695 इटरेशन के बाद में 3.1415 बनता है 10187 इटरेशंस के बाद में, 3.14159 बनता है 153919 इटरेशंस के बाद में, और 1 10 लाख इटरेशंस के बाद में पाई की वैल्यू हमें मिलती है 3.14159 5। ये 6 डिजिट तक हमने प्रिंट किया, आगे हमने प्रिंट नहीं किया। एक प्रोग्राम लिखना है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनको ब्रूट फोर्स मेथड से प्रिंट करे। ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है, ट्राई करो सही मिले, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, मतलब ट्राई करो सब नंबर चेक करो, 1 1 1 से 1 मिलता है या नहीं मिलता, 2 2 2 से मिलता है या नहीं मिलता, 3 4 5 से मिल रहा है तो उसको प्रिंट कर लो, बाकी को इग्नोर कर दो। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी कोशिश कर लो। ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, तो पाइथागोरियन थ्योरम जो होती है, जैसे जिसमें एक स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसके लंब और आधार बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसके कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये तीनों यदि इंटीजर्स के रूप में हम लें तो उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करने पर वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। अब हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है, सी प्रोग्राम लिखना है, और वो भी ब्रूट फोर्स वाला, ट्रायल एंड एरर मेथड वाला। तो इसमें हम 3 लूप लगाएंगे, 2 3 काउंटर वेरिएबल ले लिए आई जे और के, उसमें आई और जे के अंदर तीसरा लूप के लगा दिया, और हम मान लेते हैं आई और जे जो काउंटर हैं वो बेस और परपेंडिकुलर के लिए हैं और के है वो हाइपोटेन्यूज के लिए है। तो कंडीशन लगा देते हैं आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर यदि के स्क्वायर के इक्वल है तो आई जे के को प्रिंट कर दे।
प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, इसमें पहले कुछ कम संख्याएं ले लेते हैं, 50 ही ले लेते हैं। कंपाइल किया, रन किया तो 50 तक ये संख्याएं मिलती हैं हमें। ये जोड़े मिलते हैं 3, 4, 5, 4, 3, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 6, 10, 8, 15, 17, 9, 12, 15। ये कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। और अब इसी को हम यदि 500 तक करना चाहें तो हमें 500 तक की सारी संख्याएं मिल जाएंगी। कंपाइल किया, रन किया तो ये सारी संख्याएं आ गई हैं। ये सारे ट्रिपलेट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो हमें मिल गए हैं। डायमंड प्रिंट करना है, दो तरह से प्रिंट करना है, एक भरावा एक खाली। डायमंड मतलब यहाँ स्टार्स प्रिंट करने हैं इस फॉर्म में जो डायग्राम यहाँ दिखाए गए हैं। एम्प्टी मतलब जिसमें सिर्फ एजेस पे स्टार प्रिंट करने हैं। तो पहले भरे हुए ट्राइंगल के लिए है, तो इसके लिए हम इसको दो भागों में मान लें। भरे हुए डायमंड के लिए एक अपर ट्राइंगलर और एक लोअर ट्राइंगल। और अपर ट्राइंगल जो है वो प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट अलग से एक ट्राइंगल के स्टेटमेंट लिख लिए हैं, लिख लेंगे, जिसमें दो लूप लगा रहे हैं। एक लूप है साइज पे, दूसरा लूप है जो एक रिक्वायर्ड जो लेफ्ट साइड में स्पेस है उनको प्रिंट कर रहा है, और तीसरा लूप जो ऊपर वाले के अंदर ही है वो जो स्टार्स हैं नंबर ऑफ स्टार्स उनको प्रिंट कर रहा है। जैसे हम किसी भी लाइन में देखें तो वो लाइन नंबर जो है उतने पहले स्पेस आते हैं, फिर उसके 2 गुना से एक ज़्यादा स्टार आते हैं। जैसे पहले जीरोथ लाइन हम देखें, जीरोथ लाइन में जो साइज है उतने स्पेस है, बाद में 0 का 2 गुना, 0 उसमें एक ऐड करें तो एक स्टार प्रिंट हो गया। फर्स्ट लाइन में देखें तो एन माइनस आई स्पेस मतलब जो साइज है उससे एक कम स्पेस, और 1 का 2 गुना 2 जिसमें एक ऐड करने पर 3, 3 स्टार आ रहे हैं। तो वही हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं। एक लूप लगा रहे हैं, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन साइज तक जा रहा है। दूसरा लूप आई इक्वल जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे लेस देन साइज तक जा रहा है, उतने स्पेस प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद में एक और लूप है जो जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 स्टार i+1, 2i+1 तक जा रहा है और उतने स्टार प्रिंट कर रहा है। उसके बाद में न्यू लाइन। इसी तरह से ऑपोजिटली एक और ट्राइंगल प्रिंट कर रहे हैं, लोअर ट्राइंगल, जिसमें नंबर ऑफ लाइंस के इक्वल स्पेस प्रिंट होंगे। या हम उसमें ऊपर वाले का एकदम उल्टा चल रहे हैं, जैसे ऊपर वाले में हम आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज तक चले, यहाँ आई लेस देन इक्वल टू साइज से आई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चल रहे हैं, और ये नीचे वाला स्टार प्रिंट डायमंड प्रिंट कर रहे हैं। हम इसको कम प्रोग्राम के रूप में देखें, रन कंपाइल और रन करके, तो ये प्रोग्राम है जिसमें ये प्रोग्राम ऊपर वाला ट्राइंगल प्रिंट कर रहा है, बाद में ये दूसरा पार्ट है इसका जो नीचे वाला ट्राइंगल प्रिंट कर रहा है। इसको कंपाइल एंड रन करके देखें, ये कंपाइल हो गया। साइज साइज जैसे हमने 4 दी तो 4 by 4 का डायमंड स्टार डायमंड प्रिंट हो गया। हम 10 देते हैं तो 10 का डायमंड प्रिंट हो गया, जिसको जूम इन करके देख लेते हैं। हम यदि 20 देते हैं तो 20 का डायमंड प्रिंट हो जाएगा, जिसको जूम इन करके देखते हैं। और हम जूम इन करके देखें और कंपाइल का इन रन करके हम इनपुट में 100 देख के देखते हैं, तो ये 100 का डायमंड प्रिंट हो गया है, जो अब मैं मेरी स्क्रीन पे एक साथ नहीं दिखा सकता। इस तरह से स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ। मैं 50 देख के देखता हूँ, 50 का डायमंड भी बड़ा हो जाता है। मैं 20 करके देखता हूँ, 20 का डायमंड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जूम कर दें फिर से,
फिर से देखें, टेन टेन का बड़ा हो गया, हम फाइव सेवन ये देख सकते हैं। इसी डायमंड को एम्प्टी करना है, तो यहाँ कंडीशन जब स्टार प्रिंट कर रहे थे वो चेंज हो जाएगी। स्टार तभी प्रिंट करेंगे जब आए जो सेकंड ग्रुप जिसमें स्टार प्रिंट कर रहे थे उसमें जे की वैल्यू आइदर जीरो है या टू आई के इक्वल है, उस समय स्टार प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो वो एम्प्टी डायमंड हो जाएगा। इसी तरह ही कंडीशन लोअर ट्राइंगल में लगा देंगे और तो वो डायमंड एम्प्टी हो जाएगा। हम एग्जाम्पल करके देखें, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल है जो प्रिंट कर रहा है, सिर्फ कंडीशन चेंज किया है स्टार प्रिंट करने की, कि यदि जे की वैल्यू जीरो या टू आई के इक्वल हो तो स्टार प्रिंट करे, एल सी एफ स्पेस प्रिंट कर। इसी तरह से लोअर ट्राइंगल में भी वही कंडीशन ऐड कर दी है। और अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, रन किया, वैल्यू दी फाइव, तो ये फाइव 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 का डायमंड प्रिंट हो गया है। एक्चुअली जिस तरह से प्रोग्राम बनाया है ये सिक्स बाई सिक्स का स्टार डायमंड प्रिंट हो रहा है। थोड़ा हम जूम इन करके देखें, टेन दें तो टेन का हो गया, थोड़ा जूम इन करके देखें तो क्लियर दिख जाता है। हम ट्वेंटी करके देखें और फिर इसको जूम इन करके देखें तो ट्वेंटी बाई ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी वन का स्टार डायमंड प्रिंट होता हुआ हमें दिख रहा है। वापस जूम आउट कर लेते हैं, एक प्रोग्राम लिखना है जो न्यूमेरिक और जो रोमन इक्विवेलेंट है उनको प्रिंट करें। हम मतलब यदि इनपुट में रोमन कोई नंबर दें तो ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट प्रिंट कर देगा। ये इस तरह से होते हैं, जो आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट वन होता है, वी के कॉरस्पॉन्डिंग फाइव होता है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टेन होता है, एल के लिए फिफ्टी होता है, सी के लिए हंड्रेड होता है, डी के लिए फाइव हंड्रेड और एम के लिए थाउजेंड, ये इक्विवेलेंस होता है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम सिंपल स्विच केस से लिख रहे हैं, एक करेक्टर रीड कर रहे हैं, वो करेक्टर आई है तो ये वन प्रिंट कर दे, वी है तो फाइव प्रिंट कर दे, एक्स है तो टेन प्रिंट कर दे, एल है तो फिफ्टी प्रिंट कर दे, सी है तो हंड्रेड प्रिंट कर दे, डी है तो फाइव हंड्रेड प्रिंट कर दे, एम है तो थाउजेंड प्रिंट कर दे, और इनमें से कोई भी नहीं है तो वन माइनस वन प्रिंट कर दे, वैल्यू को असाइन कर दे। और अब बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं, यदि वैल्यू माइनस वन है तो ये प्रिंट कर देगा कि हमें सूटेबल रोमन नंबर नहीं दिया गया है, क्योंकि करेक्टर स्टोर भी हो सकते हैं, और यदि इन माइनस वन नहीं है तो ये जो भी कंपेरिजन से हमें वैल्यू मिली है उसको वैल्यू को प्रिंट कर दें। एग्जांपल देख लें, ये सेम प्रोग्राम है जिसमें स्कैन किया है, सी को रीड किया है, स्विच में डाल दिया, स्विच आई है तो वैल्यू इक्वल टू वन हो जाएगा, स्विच यदि वी है, करेक्टर यदि वी है तो वैल्यू इक्वल टू फाइव हो जाएगा, करेक्टर टेन है तो वैल्यू एक्स है तो वैल्यू टेन हो जाएगी, करेक्टर एल है तो वैल्यू एक्स इक्वल टू फिफ्टी हो जाएगा, करेक्टर यदि सी है तो एक्स वैल्यू इक्वल टू हंड्रेड हो जाएगा, करेक्टर यदि डी है तो वैल्यू इक्वल टू फाइव हंड्रेड हो जाएगा, करेक्टर यदि एम है तो वैल्यू इक्वल टू थाउजेंड हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। बाद में यदि वैल्यू माइनस वन है तो ये प्रिंट करेगा कि जो डाटा दिया गया है वो रोमन नंबर का नहीं है, एल्स वो प्रिंट करेगा कि डेसिमल वैल्यू को जो हमें मिली है। कंपाइल और रन करके देखें, कंपाइल कर दिया, रन किया, हमने इनपुट में जैसे आई दे दिया तो ये वन प्रिंट कर रहा है, हमने एम दे दिया तो ये थाउजेंड प्रिंट कर रहा है, हमने डी दे दिया तो फाइव हंड्रेड प्रिंट कर रहा है, हमने ए दे दिया तो ये कह रहा है गिवन वैल्यू इज नॉट ए रोमन नंबर। ये एक प्रोग्राम का सेगमेंट लिखा है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें दो तीन फोर लूप हैं, एक वे काउंटर आई पे है, दूसरा जे पे, तीसरा के पे। आई वाला काउंटर फाइव तक जाएगा, जे वाला थ्री तक, के वाला फोर तक, और वो प्रिंट क्या करेंगे, ये तीन प्रिंट स्टेटमेंट हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो स्टार प्रिंट करेगा, दो पुट स्टेटमेंट हैं जो न्यू लाइन प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट हमें इन तीन स्टेटमेंट से मिलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट है वो स्टार प्रिंट करेगा सिंगल स्टार, और ये सेगमेंट इस एक फोर लूप के अंदर है जो के इक्वल टू वन टू फोर चलेगा, मतलब ये जब भी प्रिंट स्टार स्टेटमेंट पे पहुँचेगा इस फोर लूप के अंदर पहुँचेगा, मतलब चार स्टार लगातार प्रिंट करेगा।
उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है वो एक पुट्स है जो एक न्यू लाइन प्रिंट करेगा और एक न्यू लाइन कब प्रिंट करेगा। तो ये इस ऊपर वाले लूप के अंदर है तो वो चार स्टार प्रिंट आने के बाद ये न्यू लाइन में चला जाएगा और ऐसा कितनी बार होगा, तीन लगातार लाइन आने तक ये न्यू लाइन में जाता जाएगा। अब एक और पुट्स स्टेटमेंट है जो उसके बाद एक और नया न्यू लाइन जाएगा और वो इस तरह से आउटपुट को बनाएगा कि हमें तीन चार स्टार्स की एक लाइन, इस तरह की तीन लाइनें मिलने के बाद एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन मिलती है और इस तरह से ये रिपीट होता रहता है। और कितनी बार रिपीट होगा, फर्स्ट लूप पांच बार हो रहा है तो ऐसा पांच बार रिपीट होगा। हम इसको कंपाइल और रन करके देख लें तो ये नहीं लिखा है, इसको लिखते हैं। आई जे के बाद में फोर आई इज इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, प्लस प्लस आई, फोर जे इज इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, प्लस प्लस जे, फोर के इज इक्वल्स टू वन, के लेस देन इक्वल टू फोर, प्लस प्लस के, प्रिंट एफ परसेंटेज एस स्टार ये भी पुट्स पुट्स ये प्रोग्राम लिखा, ये इसको कंपाइल किया और इसको रन किया। रन करने पर हम देखते हैं एक सेट आया है, दूसरा सेट, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, पांच सेट आ गए। इसके साथ ही आज का ये